हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ये मैं सुबह की रूटीन शुरू कर रही हूँ। सुबह के 7:30 बज गए हैं। मैं सुबह के बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं आटा गूंद रही हूँ मेथी का और बनाऊँगी मेथी के परांठे। ये कैसे बनाए हैं मैंने मेथी के परांठे, मैंने आटे में डाला है मेथी और हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने रिफाइंड, और थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। गाइस, साथ में प्याज भी डाले हैं बारीक बारीक काट के, थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाली है। और ये सब डालने से ना परांठे आपके सॉफ्ट एंड अच्छे बनेंगे, परांठे टेस्टी बनेंगे। दोस्तों, ये गूंद रही हूँ मैं आटा। अब ये आटा गूंद रही हूँ मैं बैठ जाती हूँ अंदर बेड पे, क्योंकि खड़े होकर आटा गूंदने मेरे से गूंदा नहीं जाता स्टैंडिंग में रसोई की स्लैब में, इसलिए मैं बेड पे बैठ जाती हूँ। ये गूंद गया मेरा आटा, अब मैं बनाऊँगी परांठे। वो बॉटल में घी ख़त्म हो गया था, मैं अब उसमें घी पलट रही हूँ और अब मैं बनाने शुरू करूँगी परांठे। ये मैंने उसमें भी घी लगा दिया थोड़ा सा आटे के ऊपर, कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये साथ ही बच्चों को मैं दे देती हूँ फ्रूट, जो ये मैं काट रही हूँ तरबूज। मैंने कहा फटाफट तरबूज भी साथ ही काट देती हूँ। उधर मेरा आटे को थोड़ा टाइम देना चाहिए गूंदने के बाद, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब ये मैंने इसका तरबूज काट दिया है, अब मैं इनको डिब्बियों में भी डाल दूँगी और बनाऊँगी इसके बाद परांठे। पहले 4-5 लोइयां बना के रख लेती हूँ आटे की, तो फिर मेरे से ना जल्दी जल्दी परांठे बन जाते हैं। उधर तवा भी गर्म हो रहा है, तो 4-5 लोई बनाने के बाद मैंने फिर पहला परांठा बनाना शुरू कर दिया। गाइस, मेथी के परांठे किस किस को पसंद है मेरे को कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत पसंद है मेथी के परांठे, चाय गरम गरम चाय हो और मेथी का परांठा हो, साथ में थोड़ा अचार ले लो तो बहुत मज़ा आता है। ये मैं बच्चों के लंच बॉक्स साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात के मंजे हुए होते हैं ना, तो थोड़े गीले गीले लग रहे थे, तो मैं उनको सुखा रही थी टिश्यू पेपर से। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। ये मैं परांठी पैक कर दूँगी अब फाइल पेपर में। फाइल पेपर क्या सही रहता है बताना गाइस, बच्चों के ये टिफ़िन परांठी वगैरह पैक करने में सही रहता है या नहीं रहता, कमेंट करके ये भी मुझे बताना। मैंने कहीं से सुना है कि शायद अच्छा नहीं होता, और क्या अच्छा होता है वो बताना मुझे। ये मैं फ्रूट पैक कर रही हूँ। दोस्तों, अभी आके बैठी हूँ, इसकी नानी की तबीयत खराब लग रही थी, मैंने कहा पता कराती हूँ, तो अभी आई हूँ मैं। सुबह की निकल गई थी, थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह नाश्ता बना के बच्चों को भेज के, साथ में मैं ले आई हूँ गणेश कचौरी की कचौरियाँ। मैंने कहा अब लंच बनाने की तो मेरे में हिम्मत नहीं है, शाम को बनाऊंगी खाना। अब मैं खाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ जो कचौरियाँ लेके आई थी, और खाने लगे हैं कचौरियाँ। ये कपड़े सुबह थोड़े गीले थे, तो मैंने पंखा खोल के ऐसे ही छोड़ दिए थे रैक के ऊपर। अब थोड़े कपड़े मेरे सूख गए हैं, तो मैं उनको उठा रही हूँ और रैक को बाहर रख दूँगी इसकी जगह पे।
ये मैंने उतार दिए कपड़े सुखाने के बाद, ये मैंने फिर अंदर ही रख दिया था अभी रैक, अभी रख दूंगी बाहर, ये मैं कपड़ों की फोल्ड कर रही हूँ। सुबह तो झाड़ू वगैरह लग जाता है एक बारी, पर एक बारी शाम को पूजा से पहले मैं दोबारा सफाई करना समझती हूँ कि अच्छा समझती हूँ मैं, एक बारी सफाई हो जाए ना तो अच्छा लगता है मुझे घर साफ साफ, तो एक बारी ये शाम को मैं झाड़ू लगा रही हूँ, थोड़ा क्लीननेस अच्छी लगती है घर में। ये झाड़ू लग गया मेरा, चाहे इतना कूड़ा ना भी हो पर मार देती हूँ फिर भी मैं झाड़ू। ये मोपेन क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो नाम नहीं लेना आता, पर जो स्ट्रेडिंग वाला ये पोचा ना, इसको मारने का शौक आ रहा कि बेटी को कह रही मैं पोचा मैं मार देती हूँ मम्मी, तो मैं कहा चल मार दे, मेरा तो थोड़ा पिज्जा छूटेगा ना, तू मार दे। उसके बाद थोड़े से लंच के बर्तन थे जो हमने कचौड़ियाँ वगैरह खाई थी, मैंने कहा साथ के साथ ये भी मांझ देती हूँ मैं बर्तन, बेटी ने पोचा लगा दिया, मैंने ये बर्तन मांझ दिए, अब हो गई मेरी सफाई, अब शाम के लंच डिनर की तैयारी करेंगे पूजा करने के बाद। जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी एडिटिंग मेरी बेटी करती है। मेरी बेटी का घर का नाम तो मिन्नी और वैसे स्कूल का नाम है पलक, ये कर रही है एडिटिंग। ये गर्मियाँ आ गई हैं, अब गर्मियों की सब्जी बनेगी। के लिए ना बच्चों के लिए भिंडी लेके आई हूँ, भिंडी बहुत अच्छी मिल रही थी, मैंने कहा सुबह भिंडी दे दूंगी फिर शाम को करूंगी व्रत की थाली तैयार, क्योंकि बच्चे तो ऑफिस के लिए वो रखेंगे नहीं, ये फास्ट नहीं रखेंगे। दोस्तों मैं शकरकंदी भी लेके आई हूँ, कि जैसे फ्रूट नहीं था मेरे पास तो मैंने कहा शकरकंदी में नींबू और काली मिर्च वगैरह डाल के ना ये बच्चों की एक डिब्बी अलग से लगा के दे दूँगी और हम भी खा लेंगे। ये साथ ही अंडा बना रहे हैं, रात को बच्चे कह रहे थे कि अंडा खाएंगे, वो दाल चावल वगैरह नहीं खाने मुझे, तो फिर इन्होंने अंडा ऑमलेट और ब्रेड वगैरह कर दिया था। ये तो बच्चे जो खाते हैं ये वही बना रहे हैं अंडा, वैसे तो इनको बहुत तरह के अंडे बनाने आते हैं, भुजिया बना देंगे तरह तरह की और अंडे बना देंगे हर स्टाइल का, तो ये तो सिंपल वाला ही बना के दिया है इन्होंने, वैसे बच्चे यही खाना पसंद करते हैं। ये बना दिए इसके पापा ने टेस्टी टेस्टी अंडा, ये ऐसे ही अच्छा लगता है सबको अंडा। रात को बच्चों को फिर भूख लगने लग गई, तो फिर टिक्की पड़ी हुई थी घर में, तो वो टिक्की तल दी। दोस्तों सारा दिन काम करते करते बज गए हैं रात के 10:15, अब मैं कर रही हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरा साथ दो दोस्तों, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ। बाय दोस्तों, नई वीडियो में मिलते हैं।